नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सत्ता में होते तो रूस यूक्रेन की जंग नहीं होती। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो फिर से सत्ता में वापस आते हैं तो रूस यूक्रेन जंग को एक दिन में ही बंद करवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जंग खत्म करने को लेकर तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सकते हैं। और बता दें आपको कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है और चुनाव में ही डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रही है। और ट्रंप फिर से ही रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेश कर चुके हैं। वो जगह जगह जाकर एजेंडा बता रहे हैं और ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान ही ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बयान दिया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग में एक दिन में बंद करा सकता हूं, मेरी सरकार आई तो तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं होगा। ट्रंप इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के मसले पर बोल चुके हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि वे होते तो इस रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि हमारे समय में शांति बनाए रखने कि कई कोशिशें सफल रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। तोशाखाना केस में ही जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस इमरान खान को रविवार यानी कि 5 मार्च को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। समर्थकों के भारी विरोध के बीच में ही कई घंटे तक गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा चलता रहा और पीटीआई चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है। आरोप लगाया है कि उन्हें सरकार के लोगों से धमकियां मिल रही हैं। ARY न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस CJP अमर अता बंदियाल को ही एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें शासकों से धमकियां मिल रही हैं और उनकी सरकार को हटाने के बाद उन्हें लगातार धमकियां का सामना करना पड़ रहा है और उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि वजीराबाद अटैक के बाद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है और इसके साथ ही GIT की रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिशें की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई बार ही बताया कि PM शहबाज शरीफ और इसके साथ ही मंत्री राणा सनाउल्लाह वजीराबाद गन अटैक में शामिल थे और उनकी हत्या के एक और प्रयास की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ 74 मामले दर्ज हैं और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने CJP से अनुरोध किया है कि सुरक्षा खतरों के कारण उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से अदालतों में पेश होने की अनुमति दी जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। तीनों राज्य के चुनाव परिणाम BJP को खुश करने वाले हैं और त्रिपुरा और नागालैंड की सत्ता में ही BJP गठबंधन ने वापसी की है। वहीं मेघालय की नई सरकार में भी पार्टी सहयोगी की भूमिका निभा सकती है और BJP के इस प्रदर्शन पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और PM मोदी ने इस दौरान पूर्वोत्तर की जनता का आभार जताते हुए विरोधियों पर जमकर वार किया है। PM मोदी ने कहा कि आज के नतीजे सभी BJP कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम है और आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में ही देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। PM ने यह भी कहा कि इन चुनाव परिणाम में दुनिया के लिए कई संदेश हैं और आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आस्था है। TMC का विस्तार करने में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 5 सीटें मिली हैं और बनर्जी ने इस पर राज्य के लोगों का शुक्रिया किया है। ममता बनर्जी ने इस पर कहा है कि मैं मेघालय के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। हमने 6 महीने पहले ही यहाँ शुरुआत की थी और हमें 15% वोट मिला है और ये TMC को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में ही TMC 8 सीटों पर लड़ी थी लेकिन एक भी नहीं जीत सकी थी और मेघालय के इस चुनाव में TMC के वोट
मतिशत के में ही बढ़ोतरी हुई है। उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में 0.35 मत मिले थे, लेकिन इस बार भी बढ़कर ये 13.69% पहुंच गया है और ऐसे में ये परिणाम टीएमसी के लिए उम्मीद जगाने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया है। बताते चले आपको कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी और बताया ये भी जा रहा है कि प्रयागराज के कोंधियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई और इस दौरान ही उस्मान चौधरी को गोली लग गई। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। और ये उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर है और इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था और अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। तो आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। पहली गोली मारने वाला विजय उर्फ उस्मान एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत रविवार यानी कि 5 मार्च को हरियाणा के ही करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में अंग्रेजों का राज होने से पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में 70% जनसंख्या शिक्षित थी और यहां कोई बेरोजगारी नहीं थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उसी समय इंग्लैंड में ही केवल 17% लोग शिक्षित थे और अंग्रेजों ने भारत आने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था यानी कि 70% लोगों को शिक्षित रखने की पद्धति को कबाड़ खाने में डाल दिया है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारत में लाए। और मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों की उस शिक्षा व्यवस्था से हम 17% साक्षर रह गए हैं और वो 70% शिक्षित हो गए हैं, ये इतिहास का सत्य है। उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शिक्षिका सिखाता था, सबको सिखाता था और उसमें वर्ण और जाति का भेद नहीं होता था। आदमी अपना जीवन खुद जी सके और यहाँ तक कि शिक्षा सभी को मिलती थी। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर शिक्षक सिखाते थे, अपना पेट भरने के लिए नहीं सिखाते थे, क्योंकि शिक्षा देना उनका काम है, सिखाना और उनका कर्तव्य और धर्म था। चलिए खबर नोएडा से है। दिल्ली में अक्षर फ्लाईओवर के विस्तार का काम पूरा हो गया है। सोमवार से ही इस फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और बताते चले आपको कि जिससे दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन आसान हो जाएगा और जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अक्षर फ्लाईओवर पर ही 2 महीने से ज़्यादा समय से ही काम चल रहा था, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक को बंद किया गया था और ऐसे में नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज़ 2-2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ही फ्लाईओवर विस्तार का उद्घाटन करेंगे और बता दें आपको कि अक्षर फ्लाईओवर को ही DND फ्लाईओवर से जोड़ा गया है और यहाँ 1 जनवरी से निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इस कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन यानी कि 15 फरवरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से लोगों की टेंशन बढ़ गई थी। पहले इस प्रोजेक्ट का ही उद्घाटन 28 फरवरी को होना था, लेकिन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब उद्घाटन होने जा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।